नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में हूं और अभी पीरपैंती बाजार में हूं और हमारे साथ कुछ लोग हैं यहां के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार इनका मुद्दा रहेगा और कैसे प्रत्याशियों को ये मौका देंगे। सर, किस क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपका? हमारा मुद्दा तो विशेष तौर पर यहाँ का विकास के लिए, हमारे समाज के लिए यहाँ सौतेला व्यवहार किया गया है। और कोई भी प्रतिनिधि बन के आते हैं हमारे क्षेत्र से तो होते हैं, लेकिन हमारे समाज से जुड़े हुए नहीं होते, जिनके कारण से यहाँ का सारा काम हर विधि व्यवस्था में जो है उल्टा फेर या बहुत तरह की तकलीफ होता है, जिसके कारण से हमारे जनता को काफ़ी असंतुष्टि महसूस होता है। आज ऐसे कोरोना ऐसे महामारी में हमारे जनता को भी काफ़ी कठिनाई महसूस हुआ है, जिससे प्रवासी मजदूर ये सबको लाने की व्यवस्था काफ़ी ही दुर्गम व्यवस्था थी, जिसके कारण से लोग तो आ तो जाते थे स्टेशन पे, लेकिन उनको घर लाने की व्यवस्था नहीं थी। तो वर्तमान के जो यहाँ के आपके विधायक हैं, उनकी कार्यशैली से क्या संतुष्ट हैं? संतुष्टि तो 100% नहीं है, लेकिन ये है कि रिलेटी की 40% हम उसको दावेदारी देते हैं। आपका NH जो है यहाँ से भागलपुर के बीच NH जो है उसको लेकर NH की स्थिति काफ़ी ख़राब है। इस कारण से अगर लग्जरी गाड़ी में अगर मतलब हमारे विधायक या हमारे सांसद नहीं जाना पसंद करेंगे, तो उसको एक जनरली गाड़ी जो हमारे होते हैं पत्ती वाला गाड़ी बोले रहे, इस पर बैठा के ले जाया जाए, तब उनको ज़मीनी हकीकत पता चलेगा। क्या तो मुद्दा इस बार जुड़ेगा NH? बिल्कुल जुड़ेगा। कुछ और लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या मुद्दा रहेगा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में? बिहार विधानसभा में हम लोगों का मुद्दा है कि यहाँ का विकास हो, और जो वर्तमान सरकार है हर मोर्चा पर फेल है। इस आपातकाल व्यवस्था में जो निर्णय लिया गया वो दुखनीय है कि लोगों को वहाँ से डंटा पीटते हुए यहाँ लाया गया। उचित जो VIP लोग हैं उनको कुछ सुविधा मिला, मजदूर टाइप के जितने भी लोग थे वो किस हालत में आया है जग जाहिर है, सब जनता जानती है। बिहार में हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। जो एक तरफ से रोटी बनी रहती है तो जल जाती है, परिवर्तन हम लोग मांग करते हैं कि हम लोगों का चाह है कि इस बार परिवर्तन हो। नीतीश कुमार एक पोस्टर लगाए थे कि क्यों करें विचार, ठीके है नीतीश कुमार, क्या कहेंगे? हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। वर्तमान के आपके जो विधायक हैं उनकी कार्यशैली से संतुष्ट हैं? वो सरकार में नहीं है, जितना किए हैं यहाँ का विकास अच्छा है, हम लोग आगे भी उनको चाहते हैं। वर्तमान विधायक को कुछ और लोग रहे। सर, क्या वर्तमान के जो आपके विधायक हैं उनकी कार्यशैली से संतुष्ट हैं? देखिए, वर्तमान जो विधायक हैं पीरपैंती में वे विपक्ष में हैं। सुशांत बाबू की जब सरकार 15 वर्ष पूर्व आई थी तो पीरपैंती में उसने विकास के बड़े बड़े वादे दिखलाए थे। हमारे यहाँ पीरपैंती में थर्मल पावर बनाने का घोषणा किया था, लेकिन 15 वर्ष में वो थर्मल पावर धरा का धरा रह गया। इससे यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए, युवाओं को जो उद्योग में काम मिलना था वो काम नहीं मिल पाया, NH की दुर्दशा है। इसलिए 15 साल में हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ इस सरकार के दौरान, इसीलिए हम इस सरकार को बदलना चाहते हैं। यानी होगा विचार? हाँ, निश्चित। चलिए, कुछ और लोग हैं। सर, क्या लगता है क्या मुद्दा रहेगा इस बार पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र का? सबसे पहले तो NH-80 जो पुरातन बर्बाद हो रहा है। भागलपुर जाने के लिए 3-4 घंटा लगता है, एकदम पूरा एकदम परेशानी पे परेशानी है एकदम। और वर्तमान के आपके जो विधायक हैं? एकदम भ्रष्टाचार से घिरे हुए विधायक, इतना भ्रष्टाचार अपने उम्र में नहीं देखे आज तक। तो इस बार ये भी मुद्दा जुड़ेगा? एकदम बहिष्कार होगा इसका, परिवर्तन एकदम परिवर्तन होगा, इस विधायक को बदलना है जी। कुछ और लोग हैं। सर, क्या लगता है क्या मुद्दा रहेगा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव? सबसे पहले यह है कि सर NH सही करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रोगी जाता है रास्ता में, उसका इतना प्रॉब्लम होता है कि रास्ता में उसका स्पॉट डेट हो जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा है इसका NH का। उसके बाद फिर पैती बाजार का, पीरपैंती में कोई आज तक कुछ नहीं हुआ है। बोलने को आ जाता है सांसद बुल्लो मंदर आ गया, बोल दिया कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं करा। कोई भी विधायक जीत के जाता है उसके बाद भूल जाता है। तो वही हाल है सबका, एक ही चीज़ बोलता है कि आज ये हो जाएगा काम। अभी तक रुका हुआ है, किसान को दिया नहीं जा रहा है और मैंने टढ़ाता हुआ जा रहा है, कोई अफसर आ ही नहीं रहा है। INTPC का अभी तक किसान को पैसा नहीं मिला है, लोग परेशान हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई रहेगा तो वो है NH-80 आप लोगों के क्षेत्र में। हाँ, पीरपैंती क्षेत्र में, क्योंकि अगर किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटल की व्यवस्था चाहिए तो वो हॉस्पिटल नहीं, सीधे
यमराज के पास पहुंचेंगे। ऐसी व्यवस्था है एनएचएससी की? व्यवस्था नहीं है ना सर, हॉस्पिटल है ही नहीं। आप लग्जरी गाड़ी में जाइए, बुलोरो में जाइए, स्कॉर्पियो में जाइए, जाने लायक रोड नहीं है, रोड नहीं है, गड्ढा। सांसद महोदय कभी मिले आप लोगों से क्षेत्र? नहीं जी, नहीं, इलेक्शन खत्म होने के बाद अभी तक भेंट ही नहीं हुई। मंडल 5 साल रहे, उसके बाद अजय मंडल, आज अभी तक कोई सांसद न विधायक जल्दी आया। अजय मंडल है, उसके बाद भी उन्होंने कहा था 90 दिन में जीतने के बाद 90 दिन में रोड NH80 पूर्ण रूप से बन जाएगा, पर आज तक उसका गड्ढा नहीं बढ़ा है, NH80 क्या बनेगा? नीतीश कुमार का एक स्लोगन है कि क्यों करें विचार, ठीक है नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कुछ कुछ मुद्दा उनका ऐसा है, जैसे NH80 हो गया, आपका NTPC वाला हो गया था, वो NTPC अभी तक बनी रहा है, वो पड़ा हुआ है, कचरा हो रखा है। उसके बाद आप देख लीजिए, जिसको पैसा मतलब NTPC का पैसा मिलना था वो भी आज तक कुछ नहीं, वो भी वैसे के वैसा पड़ा हुआ है। विचार तो नहीं करना चाहिए, सरकार तो नीतीश कुमार की ही, गठबंधन की सरकार बनेगी, BJP और आपकी जदयू की, पर नीतीश कुमार को NH80 पर, और अभी युवा बेरोजगार बहुत ज़्यादा, बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी की समस्या, उसको नीतीश कुमार को ध्यान में रखते हुए काम कर। वर्तमान विधायक से कार्य के, ये किसी काम के नहीं है विधायक, कोई काम के नहीं है जी, नहीं। वर्तमान के जो विधायक, वर्तमान विधायक के कार्यशैली से सर संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं, नहीं है। तो इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा विकास का रहेगा, विकास का रहेगा, विकास का मुद्दा, एकदम विकास का मुद्दा। कुछ और लोग हैं क्या सर, वर्तमान के जो विधायक हैं उनकी कार्यशैली से संतुष्ट हैं? नहीं, नहीं। क्या लगता है इस बार मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में आपका? रोड मेन मुद्दा है यहाँ, NH80 बहुत जरूरी है, और बहुत गड़बड़ है, और गाड़ियाँ भी बहुत लोड लेके चलती है, जिसके वजह से बहुत जल्दी ओवरलोड के वजह से रोड खराब होता है। NH80 ऐसा हो गया है कि उसमें ऐसा गड्ढा हो गया कि अगर उसमें पेड़ लगाया जाए कोई तो खेती हो जाए, पोखर हो रहा है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इस बार जो है हमारा जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, हम लोग चूंकि बाढ़ फ्लैट एरिया में आते हैं, आज तक आज़ादी के बाद से आज तक हमें कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं मिला। हमारे दीदा के लोग जो है अभी बाढ़ आएगा, वो लोग सांप काटेगा, बिच्छा आएगा, उधर आएगा, वो लोग यहीं पे दम मार देंगे। NH80 के अलावा हम पीरपैंती वासियों का, हम दीरा पीरपैंती क्षेत्र की जनता हर सुविधा से वंचित। वर्तमान के विधायक जो है बिल्कुल कोई काम के नहीं, फिलहाल अभी कोई काम के नहीं है, वो सिर्फ नाम के हैं विधायक। छोटा मोटा राशन कार्ड मिलता है, राशन कार्ड मिलता है, वो राशन कार्ड भी नहीं मिल पाता है, न गरीबों को अनाज मिल पाता है। यहाँ तो बोल दिया कि राशन कार्ड मिल गया, नीतीश कुमार ने बोल दिया कि हर घर में किलो चना मिलेगा, लेकिन यहाँ अगर किसी का शकल देख के दिया जाता तो मक्का का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, 1800 का मक्का 1000 में बेचने के लिए हो रहा है। बात प्रखंड मुख्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, आय जाति आवासी में पैसा दीजिएगा तब बनेगा, मोटेशन कराने जाइएगा पैसा लगेगा, कहने के लिए ऑनलाइन है, साधारण सा रसीद कटाने के लिए जाइएगा 200 रुपया दीजिए तब ऑनलाइन में चढ़ाएगा पैसा, जाइएगा सिर्फ पैसा, एक आवासी बनाने जाओ 200 रुपया। स्थानीय मुद्दा तो ये है, राशन कार्ड अभी तक आप लोगों का नहीं, हम लोग राशन कार्ड बना है लेकिन मिला नहीं है। राशन कार्ड मतलब क्या है हम बताते हैं, राशन कार्ड का मतलब क्या है? कुछ बोल रहे हैं, यहाँ जो है लेबर लोग जो है, लेबर कार्ड जो बना है यहाँ, सब जो है जितना मुखिया है सब अपने अपने परिवार का लेबर बना दी, गरीब का एक भी नहीं बना, ना गरीब को लाभ मिला है। वर्तमान के जो आपके विधायक हैं उनकी कार्यशैली से संतुष्ट हैं? जी नहीं, वो एकदम बेकार है, एकदम बेकार। गरीब कुछ नहीं दे, कुछ नहीं, न राशन नहीं, आरो कोई चीज नहीं, कुछ पैसा कौड़ी। विधायक जे छे बात नहीं कर लो, नहीं दे छे, गरीब आदमी घर द्वार नहीं, आरो कुछ नहीं, हमरा तक राशन तक नहीं दे छे, वहां रुपया का मार है, यहां गरीब आदमी रुपया कहां से लावे? विधायक तो यहां अगर मरता रहेगा तो विधायक देखने वाला नहीं होगा जल्दी। हेलो, मुद्दा है राशन का, गरीबों का मुद्दा राशन कार्ड मुख्य मुद्दा ही है। स्थानीय 1000 रुपया मिलेगा राशन कार्ड में, लेकिन आज तक अगर 1 रुपया में कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ खुलेआम घोटाला हो रहा है लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। सरकार जो साफ तौर पर जो पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो अपने वर्तमान विधायक के कार्यशैली से असंतुष्ट है, ये आक्रोशित है, और इस बार बिहार विधानसभा
चुनाव में जो है पीरपैंती क्षेत्र का जो मुद्दा है वो मुद्दा NH-80 का रहेगा, और खासकर यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं इनको कोरोना जैसे महामारी के समय में राशन कार्ड मुहैया नहीं कराया गया है, ये भी मुद्दा रहेगा। और खासकर जो आसपास के व्यवसायी वर्ग के लोग हैं उनको परेशानी है, वो उनकी शिकायत है कि वर्तमान के विधायक जो हैं वो इनसे मिलने नहीं आते हैं, और खासकर सांसद महोदय से भी नाराजगी है। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सलमान अनवर मौजूद हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।